Kids, good morning everyone. Welcome to our online lecture and our today's subject is English. तो English में हमने last time paper revision में किया था alphabets, वो हम एक बार repeat करेंगे. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for gun, H for house, I for ice cream, J for joker, K for kite और L for लायन. नाउ आज हम रिवीजन में करने वाले हैं मैच दी अल्फाबेट्स. जो सेम अल्फाबेट्स है उसे हम मैच करेंगे. तो एल तक हमने अल्फाबेट्स सारे कंप्लीट कर लिए हैं. तो एल तक मैंने सारे मैच लिए हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पर हमें दिया हुआ है बी फोर बोल. तो सामने वाली लाइन में बी फोर बोल दिया हुआ है उसके साथ हम मैच करेंगे. तो देखेंगे फर्स्ट है एल फोर लायन, J for joker, K for kite, B for ball. तो B for ball को हम B for ball के साथ मैच करेंगे. नेक्स्ट L for lion. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में ही L for lion दिया हुआ है. तो L for lion को हम मैच करेंगे L for lion के साथ. J for joker. तो सामने यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है. तो J for joker को हम मैच करेंगे J for joker के साथ. नेक्स्ट है के फोर काइट. तो फर्स्ट एल फोर लायन हमने मैच किया, जे उसके बाद के दिया हुआ है. तो हम के को मैच करेंगे के फोर काइट के साथ. कंप्लीट बी एल जे के उसके बाद दिया हुआ है सी फोर केट. तो देखेंगे कहाँ पर सी फोर केट दिया हुआ है. यहाँ पर हमने मैच कर लिया है तो उसके बाद का ही हमें देखना है. उसके बाद दिया हुआ है डी फोर डॉग, सी फोर केट. तो सी फोर केट को हम मैच करेंगे सी के साथ. नेक्स्ट ए फोर एप्पल. तो ए फोर एप्पल कहाँ पर दिया हुआ है, सी फोर केट के नीचे ही दिया हुआ है ए फोर एप्पल. तो मैच करेंगे ए के साथ. नेक्स्ट है डी फोर डॉग. तो यहाँ पर हमें देखा था कि डी फोर डॉग डी बी. उसके बाद E फोर एग. तो E फोर एग कहाँ पर है, यहाँ पर तो G फोर गन है उसके नीचे दिया हुआ है E फोर एग. तो E फोर एग को मैच करेंगे E फोर एग के साथ. उसके बाद G फोर गन. तो G फोर गन सामने यहाँ पर दिया हुआ है उसके साथ हम मैच करेंगे G फोर गन. H फोर हाउस. तो यहाँ पर F फोर फिश और नीचे दिया हुआ है H फोर हाउस. तो यहाँ पर हम मैच करेंगे H फोर हाउस. I फोर आइसक्रीम. तो I फोर आइसक्रीम H फोर हाउस के नीचे दिया हुआ है I फोर आइसक्रीम. और F फोर फिश बचा है वो हम मैच करेंगे F फोर फिश के साथ. तो आपको ऐसे आपके पेरेंट्स की हेल्प से ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं और उसमें अल्फाबेट्स लिखने हैं और मैच करने हैं. ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है सेम आप वैसा ही लिखो. आपको जैसे प्रॉपरली याद रहे उस तरह से भी आप मैच कर सकते हैं. कोई भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. मैंने लिखा है ऐसा ही लिखना कंपलसरी नहीं है. तो आज का हमारा रिवीजन था मैच द अल्फ़ाबेट्स. यहाँ तक हम रखते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.